हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑन टुडेज़ मेन्यू तो आज मैं बनाने वाली हूँ कार शेप का केक। तो इसके लिए मैंने 160 ग्राम प्रीमिक्स लिया था, उसको उसमें डाला था स्ट्रॉबेरी क्रश 1 टेबलस्पून और 2 बूंद पिंक कलर डाला था, पिंक जेल कलर। और इसको मैंने बेक कर लिया और इसको 3 लेयर में कट कर लेंगे, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी कम है तो इसकी हाइट बढ़ाने के लिए 3 लेयर में कट किया है। ये लेयर जो एकदम बिल्कुल पतला पतला लेयर है, इसको धागे से कट करेंगे क्योंकि नाइफ से तो ये कट हो नहीं पाएगी। तो इस तरह से मैंने 3 लेयर कट कर लिया इसका। अब इसकी हम लेयरिंग कर लेते हैं। अब एक बड़े साइज़ का केक बोर्ड लेंगे, अगर स्क्वायर शेप में हो तो और अच्छी बात है। इस पर क्रीम लगाएंगे और केक की पहली लेयर रखेंगे। इसको हम मॉइस्ट करेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश और पानी के मिक्सचर से। वैसे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट भी नहीं करेंगे, नहीं तो गीला हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम मॉइस्ट कर लेंगे इसको और इसके ऊपर हम अच्छे से क्रीम लगाएंगे। ये बनने वाला है 1 पाउंड का केक, इसीलिए 160 ग्राम प्रीमिक्स लिया है इसके लिए। और इस तरह से हम क्रीम को अच्छी तरह से केक के ऊपर लेयर के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। जहाँ पे क्रीम कम लग रही है वहाँ पे और क्रीम डाल करके फिर से स्प्रेड करेंगे। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश। अब इसको स्प्रेड कर देना है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी फिलिंग, इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है केक का। कोई भी फिलिंग आप डालिएगा, जिस भी फ्लेवर का बना रहे हैं उसका फिलिंग डालिए, तो केक का फ्लेवर जो है टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह से फिर स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर हम दूसरी लेयर रखेंगे। इसको भी हम मॉइस्ट करेंगे। अब इसके ऊपर भी हम अच्छे से क्रीम लगाएंगे। इसको भी स्प्रेड कर देना है अच्छी तरह से। क्रीम बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है और बहुत कम भी यूज़ नहीं करना है। कभी कभी किसी को क्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो बोलते हैं कि क्रीम ज़्यादा डाल दीजिएगा, तो क्रीम ज़्यादा डालते हैं। नहीं तो मैक्सिमम लोग अब जो है वो क्रीम कम ही खाना पसंद करते हैं। तो लेयर्स में अंदाज से ही क्रीम डालिए, बहुत ज़्यादा मत डालिए। फिर वैसे ही क्रश लगाइए, फिर फिलिंग डालिए और उसके बाद इसको स्प्रेड कर देना अच्छी तरह से। अब केक की हम फाइनल लेयर रखेंगे। इसको भी मॉइस्ट करेंगे। अब इसकी हम क्रम कोटिंग कर लेते हैं। इस क्रम कोटिंग अच्छे से कीजिए केक की, तो सारे क्रम्स को क्रीम में ट्रैप कर लीजिए, सबको क्रीम में दबा दीजिए ताकि आगे जो भी आप फ्रॉस्टिंग कीजिए तो उसमें दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आए। तो इस तरह से हम इसको क्रम कोट करके, और मुझे तो ये बहुत जल्दी में देना है इसको, तो मैं उतना इसको फ्रिज में नहीं रख पाऊँगी सेट करने के लिए, लेकिन आप सेट ज़रूर कर लीजिए अगर टाइम हो तो। सेट कर लें, सारी क्रीम सेट हो जाएगी तो आगे जो भी इस पर आप कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको हम साइड में इस तरह से दोनों साइड में मार्क लगाएंगे और मार्क पर ही हम इसको काट लेंगे। यहाँ से बिल्कुल हल्के हाथ से इसको काट लीजिए, क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा नहीं है तो ये बिल्कुल अभी फ्रेश है, सेट नहीं हुई है, इसकी क्रीम सेट नहीं हुई अभी। अब इसको उठा के हम ऐसे इस साइड में रख लेंगे। अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा और कट कर लेंगे शेप देने के लिए, आगे और पीछे दोनों साइड से हमें कट कर लेना है।
एक शेप आ जाए, कार की शेप आ जाए वो देने के लिए। उसके बाद हम थोड़ी सी क्रीम से साइड में और चारों तरफ हम क्रीम को लगा लेंगे, जहाँ जहाँ हमने कट लगाया था तो वहाँ, तो वापस से जो हमारा केक दिखने लगा था तो सबको हम वापस कवर कर लेंगे। ज़्यादा फिनिशिंग की तो ज़रूरत है नहीं इसमें, यहाँ पर अभी इसमें अभी नोज़ल से काम करेंगे, इसमें ब्लू कलर की क्रीम से इसको हम कवर करेंगे। तो इसको बस ऐसे ही थोड़ा सा रफली इसको कवर कर लीजिए, और यहाँ पर ऐसे हम मार्क लगा लेंगे विंडो का, जहाँ जहाँ हमें क्रीम नहीं लगाना है वहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे। अब ये ओपन स्टार टिप नोज़ल लगाया है इस पाइपिंग बैग में, और ब्लू कलर की क्रीम से इसको ड्रॉप वाले फ्लावर बनाते हुए कवर कर लेना है। एक छोटे बच्चे के बर्थडे का केक है ये, उसको टॉय कार केक चाहिए था, ब्लू कलर की चाहिए, ब्लू कलर की कार चाहिए थी उसको। तो बस इसी तरह से हर जगह जहाँ जहाँ पे मार्क लगाया उस जगह को छोड़ के बाकी जगह इसको ब्लू कलर की क्रीम से हमें फिल कर देना है। ऊपर भी इस तरह से हम लगा देंगे, और हर जगह आप एक सिमेट्री में लाइन बनाइए, जैसे इधर उधर से कहीं से भी ऐसा नहीं, एक लाइन से बनाइएगा तो जो डिज़ाइन जो है नीट एंड क्लीन बनेगी। अब वाइट कलर की क्रीम से हम आगे के शीशे को बना देंगे, साइड सब तरफ वाइट कलर की क्रीम से, इसमें भी स्टार नोजल लगाया है, और ये ब्लू कलर की क्रीम से इसको हम इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। विंडो पता चले कि यहाँ पर विंडो है, वो दिखाने के लिए हम वहाँ पर ब्लू कलर की क्रीम से इसको इस तरह से शेप दे देंगे। अब इसकी हेडलाइट और टेल लाइट बनाने के लिए गनाश से आउटलाइन बना लेंगे, और बाकी जहाँ जहाँ विंडो थी वहाँ भी गनाश से थोड़ा आउटलाइन बना लेंगे। और जैसे टॉय कार में होता है इस तरह का पैटर्न होता बना हुआ, वो भी अचानक से मुझे लगा ऐसे बना देने से अच्छा लगेगा देखने में, तो वो भी मैंने बना दिया। वाइट कलर की क्रीम से बम्पर बना दिया आगे पीछे, और हेडलाइट और टेल लाइट येलो कलर की क्रीम से बना दिया है। अब आगे पीछे नंबर प्लेट भी लगा दिया। अब ग्रास पाइपिंग बैग में ग्रास नोजल लगा के इस तरह से चारों तरफ बोर्ड के ग्रास बना देंगे। बस बोर्ड में ऐसे सटाना है और ऊपर की तरफ खींच लेना है, तो बहुत अच्छे से आपका ग्रास बन जाएगा। अभी मेरी जो ग्रीन कलर की क्रीम है थोड़ी सी गीली हो गई थी, पिघल गई थी, तो उसको मैंने फ्रिज में रखा है कि वो थोड़ा सा सेट हो जाए, और तब तक मैं व्हील बना ले रही हूँ। तो व्हील ब्लैक कलर के फोंडेंट से बनाया है, जिसमें ये सिल्वर लस्टर डस्ट को ऑयल में मिक्स करके उससे इस तरह से इसको पेंट किया है, थोड़ा व्हील जैसा लगे देखने में, और बच्चे का नाम का टैग भी बना लिया है। अब मेरी क्रीम भी जो है वो ठीक हो गई है, तो वापस से मैं ग्रास बना रही हूँ। तो मेरे ये टॉय कार की डेकोरेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ग्रास के बीच बीच में ड्रॉप ड्रॉप करके रेड कलर के फ्लावर बना देंगे। मुझे तो ये डिज़ाइन बहुत प्यारी लगी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई डेकोरेशन के साथ, एक नई डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।